हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मनप्पुरम फाइनेंस की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ कंपनी ने अपने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पर कंपनी ने डिटोरिएट किया है और क्या अभी आप लोगों को ये कंपनी बाय करना चाहिए या नहीं एंड अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पर करना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस मैक्सिमम लोगों को ही पता है कि कंपनी करती क्या है, बाकी जिन लोगों को भी नहीं पता है वो लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि गोल्ड लोन्स के साथ साथ मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE लिस्टेड है। 7431 करोड़ के आसपास की है कंपनी की मार्केट कैप। 5.57 की PE है। ऑलमोस्ट 12% है कंपनी की ROC एंड 17% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में चुके हैं, नेगेटिव बाई 47.3%। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 13.2% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 3.39% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपए की है। अगर कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो। पहले प्रोज चेक कर लेते हैं तो कंपनी अभी बुक वैल्यू से 0.9 टाइम्स पे मिल रही है एंड स्टॉक के जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी अगर मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो मार्च 2022 में कंपनी ने 1481 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू पोस्ट किया, जो कि मार्च 2021 के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड अगर लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर के कंपेरिजन में देखा जाए तो वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 261 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया इन मार्च 2022, जो कि दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में सेम है, लेकिन अगर मार्च 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आ रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। यह है 2021 की कंपैरिजन में कंपनी की रेवेन्यू। और अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 1050 करोड़ के आसपास की इंक्रीज हुई है, जबकि डेट जो है वो 1500 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुई है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, स्पेशली इस टाइप की कंपनी जिसकी रिजर्व से ज्यादा कंपनी की डेट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजर्व से कई गुना ज्यादा कंपनी के पास डेट रहने वाली है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है जो हुआ है अभी। अगर ऐसे ही चलती रहे तो हो सकता है कंपनी हाई डेट के वजह से कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में लॉस भी देने लग जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा डेट होगा कंपनी के पास उतना ही ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर डेट को कंपनी कंट्रोल नहीं करती तो हो सकता है आने वाले विद इन फ्यू ईयर्स, अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर आप लोगों को ये कंपनी लॉस भी देने लग जाए। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FIIs ने मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग कम की है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है इन मार्च क्वार्टर। पब्लिक में 19.31% पैसा जो है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर का ही लगा हुआ है, कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा इस कंपनी में नहीं लगा हुआ है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं दोनों के लिए ही बोलूंगा, डोंट गो फॉर दिस कंपनी। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो वीक हो रही है धीरे धीरे एंड नंबर जो है वो भी ड्रॉप कर रही है धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। प्रॉफिट तो दे रही है लेकिन बहुत ही कम, अगर कंपैरिजन में देखा जाए लास्ट क्वार्टर या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम कंपनी प्रॉफिट दे रही है। कंपनी के जो नंबर्स है वो धीरे धीरे वीक हो रही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट गो फॉर। अगर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के जाना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, डोंट गो फॉर दिस कंपनी, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया है। अभी डिस्कस करते हैं आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस कंपनी की। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को पर शेयर 75 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है एंड एक्स डिविडेंड डेट है 27th of May को, मतलब कल के दिन है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब शेयर को बाय करने का जो लास्ट डेट है वो है आज। अगर डिविडेंड चाहिए तो आज के दिन आप लोगों को बाय करना होगा, क्योंकि अगर कल बाय करते हो तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा ट्यूसडे के दिन एंड रिकॉर्ड डेट है मंडे। अगर मंडे के दिन आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं रहता है तो आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला, और वहीं पर अगर कल शेयर को बाय करते हो तो आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा ट्यूसडे, मतलब आप लोग को सिंपली डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। अगर डिविडेंड चाहिए तो आज है लास्ट डेट शेयर को बाय करने का, और मैं आप लोग को यही बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर को बाय मत करो, गंदे ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पर 75 पैसे पर शेयर का डिविडेंड तो मिल जाएगा, लेकिन उस साइड अगर शेयर की प्राइस देखोगे
तो एक ही दिन में 3-4% तो ये कंपनी डाउन रही थी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए इस शेयर को बाय मत करना। बाकी जिन लोगों के पास होल्डिंग है उन लोगों को 75 पैसे इस कंपनी के थ्रू मिल जाएगा विद इन 1 or 2 weeks। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को पर शेयर 75 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। एंड एक्स डिविडेंड डेट है 27th of May को, मतलब कल के दिन है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब शेयर को बाई करने का जो लास्ट डेट है वो है आज। अगर डिविडेंड चाहिए तो आज के दिन आप लोगों को बाई करना होगा, क्योंकि अगर कल बाई करते हो तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा ट्यूसडे के दिन। एंड रिकॉर्ड डेट है मंडे। अगर मंडे के दिन आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं रहता है तो आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला। और वहीं पर अगर कल शेयर को बाई करते हो तो आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा ट्यूसडे, मतलब आप लोग को सिंपली डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। अगर डिविडेंड चाहिए तो आज है लास्ट डेट शेयर को बाई करने का। और मैं आप लोग को यही बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर को बाई मत करो, गंदे ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे 75 पैसे पर शेयर का डिविडेंड तो मिल जाएगा, लेकिन उस साइड अगर शेयर की प्राइस देखोगे तो एक ही दिन में 3-4% तो ये कंपनी डाउन रही थी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए इस शेयर को बाय मत करना। बाकी जिन लोगों के पास होल्डिंग है उन लोगों को 75 पैसे इस कंपनी के थ्रू मिल जाएगा विद इन 1 or 2 weeks। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ